के काफी धूप होने के बावजूद भी यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं हुई है और काफी ये सब अपने व्यवस्था के अनुसार आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर और जोरदार इनकी श्रद्धा भक्ति की मैं जय करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, यहाँ के समिति द्वारा भिलाई पावर हाउस से जितने भी श्रद्धालुगण रेल परिवार चौक के पास पहुँचते हैं तो उनके लिए ई रिक्शा का उपलब्ध कराया गया है और जो भी माताएं बहनें इस ई रिक्शा में बैठ के पंडाल के पास जाना चाहते हैं वो निश्चित तौर से ले जाया जा सकता है। तो ये देखिए, जितने भी ई रिक्शा है वो निशुल्क कथा पंडाल के पास ले जाके वहाँ श्रद्धालुओं को छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था किया गया है। और ये जो गन्ना रस वाले भैया हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पार्किंग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलते हैं कथा स्थल की ओर और काफ़ी जन सैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ पर। और ये देखिए, और दोस्तों देखिए, यहाँ की लोगों की श्रद्धा भक्ति को बारंबार प्रणाम है और जितना हो सके जितने भी आ रहे हैं उन लोगों के लिए शरबत, सादा पानी और नींबू पानी का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ के स्थानीय निवासी जो सेवा भावना से सेवा दे सके श्रद्धालुओं को। तो ये देखिए दोस्तों, और हमने भी प्रसाद के तौर पे ग्रहण किया शरबत और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा था इंतजाम। और आज है प्रथम दिन। कवर टब में रखना है आपको। चलिए अब कथा स्थल की ओर। और ये देखिए, पूरा निःशुल्क चल रहा है कथा स्थल तक और काफ़ी संख्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चलिए आप बने रहें दोस्तों, ये सभी कथा स्थल की ओर ही जा रहे हैं। पहुँचा हूँ भिलाई की पावन धरा पे जहाँ होने वाला प्रदीप मिश्रा जी का कथा का आज पहला दिन। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु लोग पहुँचे हैं दोस्तों। तो चलिए कथा स्थल की ओर। ये देखिए दोस्तों, श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ और हम जाएंगे अभी कथा स्थल की ओर, बने रहे ब्लॉग पे आप। तो दोस्तों, ये दोनों रास्ता ही कथा स्थल के पास ले जाता है। आप दोनों रास्ते से जाए या एक रास्ते से जाए, कथा स्थल के पास ही पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मुख्य द्वार की ओर। और देखिए भक्त लोगों का जन सैलाब और ये देखिए आप लोग, धूप और इतनी गर्मी की परवाह नहीं करते हुए बहुत ही श्रद्धा भक्ति का प्रमाण दे रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं कथा स्थल की ओर और चलिए बने रहे ब्लॉक पे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और धूप काफ़ी तेज है। तो पार्किंग ऐसे आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ सभी हेल्पफुल नेचर के हैं और पार्किंग के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए, चलिए आप नहीं भाव, हम कथा स्थल के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं। चलिए आप लोग, तो दोस्तों गर्मी को देखते हुए जगह जगह पानी की व्यवस्था किया गया है। बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था और बहुत ही सुंदर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये
ये हमारे भूतपूर्व सैनिक की तरफ से। और ये देखें यहाँ पे भंडारा का कार्य, सब प्रसाद वसाद बना रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए हर दो कदम में पानी की व्यवस्था, पानी पहुंच की व्यवस्था, बहुत ही सुंदर। गर्मियों को देखते हुए यहाँ के जितने भी सेवादार लोग सेवा दे रहे हैं श्रद्धालुओं को, और सभी सपरिवार आए हैं और जिसको जहाँ जगह मिला बैठ गए। दोस्तों ये देखिए आप लोग, चलिए महाराज जी यहीं से आएंगे लगता है, काफी भीड़ लगी हुई यहाँ पे, हम रुकेंगे। महाकालेश्वर द्वार है ये, गेट नंबर 2। तो श्रद्धालुओं की जन सैलाब, तो दोस्तों देखिए कथा शुरू होने के पूर्व लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब। किसी भी प्रकार की दर्शनों की कोई विरक्त न करें, शिवाय नमस्त प्रेम का जाप निरंतर करते रहें, एक दूसरे को सहयोग निरंतर देते रहें। और दोस्तों देखिए जहाँ जगह मिला वही आसन जमा के बैठ गए श्रद्धालु लोग। दोस्तों और ये देखिए पूरा पंडाल पैक हो चुका है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग कथा स्थल पंडाल में अपना आसन बिठा के बैठ गए हैं। समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी सहयोग राशि जमा करकर रोटी अवश्य प्राप्त करें। किसी के भी हाथों में आप अपना दान ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो भी दान आप दें उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें, या फिर श्री विश्व सेवा समिति के कार्यकर्ता जो कि पीले कलर के टी शर्ट, नीले कलर के टी शर्ट और गुलाबी कलर के टी शर्ट पहने हुए हैं, ठाकुर कर्मी जी महाराज का फोटो, सूर्य मंदिर का फोटो बना हुआ है, उन कार्यकर्ताओं से भी अपनी और कूलर भी लगा हुआ है दोस्तों देखिए, ध्यान रखें। या फिर कथा पंडाल में जगह जगह दान पात्र लगे हुए हैं, उन दान पात्रों का उपयोग आप कर सकते हैं। साथ में मेरा निवेदन है सभी भक्तों से कि जो भी पत्र मेल पत्री आप समर्पित करना चाहते हैं, ये सिटी बिजनेस सेवा समिति का जो कार्यकर्ता आप सभी के बीच में आएंगे, नीले कलर के टी शर्ट, पीले कलर के टी शर्ट और गुलाबी कलर के टी शर्ट पहनकर उन कार्यकर्ताओं को ही आप अपनी सेवा राशि समर्पित करें। और दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है मुख्य पंडाल और काफी बड़ा है दोस्तों मुख्य पंडाल। भजनों का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे और कथा के प्रथम दिवस में हम सभी सुंदर बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण करकर अपने जीवन को प्रकाश से करेंगे, आनंद से करेंगे। मेरा निवेदन है सभी भक्तों से कि अपना साथ। तो दोस्तों देखिए श्रद्धालु में इतना श्रद्धा भक्ति कि धूप में बैठे हुए हैं छाता लगा के, और बहुत से श्रद्धालु छाता लाए हैं अपने साथ में। और देखिए दोस्तों इतनी धूप में बैठे हुए हैं श्रद्धालु लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उनकी श्रद्धा भक्ति को।
और भक्त लोग जो है बहुत ही अपनी अपनी व्यवस्था से आए हैं और धूप भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भक्त लोगों का काफ़ी श्रद्धा भक्ति है। तो ये देखिए आप लोग सब छाता व्यवस्था किए हैं, सभी भक्तगण आए हैं और जहाँ जगह मिले बैठ गए हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे धूप है, यहाँ पे हमें गर्मी लगी करके। ये देखिए आप लोग ऐसा व्यवस्था बना है बहुत ही ज़ोरदार। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। अच्छा वहाँ से है वो, और गेट नंबर एक उधर है। ये देखिए पूरा पंडाल पैक हो गया है दोस्तों, काफी संख्या में। और कुछ ही देर पश्चात पंडित प्रदीप मिश्रा जी आने वाले हैं। पूरे पंडाल फुल हो गए हैं दोस्तों, ये देखिए आप लोग। काफी धूप होने के बावजूद भी यहाँ श्रद्धालुओं की श्रद्धा में कमी नहीं हुई है और काफ़ी ये सब अपने व्यवस्था के अनुसार आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर और जोरदार इनकी श्रद्धा भक्ति की मैं जय करता हूँ। श्री